नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से आपको 15वीं किस्त दिया जाना है, इसका आप सभी को काफी बेसब्री से इंतजार था और आप सभी लोग कह रहे थे कि भाई एक्चुअल डेट आप बताओ कि कब गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे। तब तक हमारे पास में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया था जिसमें कि एग्जैक्ट डेट बताई गई हो, लेकिन अब हमारे पास में एग्जैक्ट डेट आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है आपको दिवाली के त्योहारों के अवसर पर मिलने वाला, तो आप सभी को यहां पर मैं पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूं। और यहां पर आप सभी किसानों के लिए ये जो इवेंट हो रहा है उसमें भी आप सभी को रजिस्टर करना है, वो भी तरीका आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि हमने अभी pmevents.ncog.gov.in ये जो वेबसाइट है ओपन कर रखा है, जो कि ऑफिशियल प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट है, जहां पर जब भी कोई इवेंट होता है तो यहां पर ये जो है अपडेट आता है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के आप देखोगे कि अपडेट आ गया है। यहां पर 8 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 15वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा। ये जो इवेंट है आप अभी देख पा रहे होगे कि 15 नवम्बर 2023 को होने वाला है, 2-3 दिनों का टाइम बचा है और दोपहर 3 बजे ये इवेंट होगा, यानी कि भाई दूज के दिन आप सभी को ये जो पैसे हैं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो इवेंट हो रहा है इसके अंदर आपको जैसे कि देखोगे कि 8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना है क्योंकि 11 करोड़ से ज़्यादा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऊपर पोर्टल पर किसान रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से केवल 8 करोड़ किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो दिया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि हो सकता है इस बार वंचित रह जाएं, उसके पीछे कई सारे कारण हैं जो कि कई बार हमने डिस्कस किया है, जैसे कि आपने केवाईसी नहीं कर रखी होगी तो हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है आपको ना मिल पाए, या फिर आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका बैंक खाता लिंक नहीं है, तब भी आप सभी को हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो ना दिया जाए। तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेना है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो इवेंट हो रहा है इसमें कि आप देखोगे करीब 787 किसान हैं जिन्होंने इस पोर्टल पर रजिस्टर कर लिया है। तो यहाँ पर 8 करोड़ किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट है वो डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं, जो कि आप देखोगे कि 15वीं किस्त भी डीबीटी के माध्यम से ही आप सभी को प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उससे आपका जो बैंक खाता है वो जुड़ा होना बेहद ही जरूरी है। अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इस बार वंचित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो ईकेवाईसी है वो नहीं कर रखी है। गवर्नमेंट ने कई बार इसके बारे में अपडेट दिया है कि भाई की ईकेवाईसी कर लो। इससे पहले जो ट्वीट आया था जिसमें कि त्योहारों पर आप सभी को जो बेनिफिट है वो दिए जाएंगे, जिसमें भी इसी बात का उल्लेख किया गया था। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस ट्वीट में भी बताया गया था कि सभी किसानों को अपनी जो केवाईसी है वो करना जरूरी होगा, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट है वो ले पाओगे। कई बार क्या होता है कि आपके अकाउंट में कोई भी डिटेल्स मिसमैच होती है, उसकी वजह से भी आप सभी को बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जिसमें कि ईकेवाईसी आप करते हो तो आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद है वो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर अपडेट हो जाती है। तो ये भी काम करना बेहद ही जरूरी था, जो कि मैंने कई सारे वीडियो जिसके बारे में बनाए हैं, आप लोगों ने हमारे वीडियो देख करके अपनी जो केवाईसी है वो कर रखी होगी। अब यहाँ पर ये जो इवेंट हो रहा है, जो 15वीं किस्त आप सभी को दी जा रही है, जिसमें कि जितने भी किसान हैं वो इस पोर्टल पर आ करके रजिस्टर कर सकते हैं, ये जो इवेंट हो रहा है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप देखोगे करंटली करीब 787 किसान हैं जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी अगर आप एक बेनिफिशरी हो तो आ करके यहाँ पर रजिस्टर जरूर कर लो। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पोर्टल पर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि माननीय पीएम द्वारा पीएम किसान 15वीं किस्त जारी ये जो इवेंट है इसके अंदर आपको रजिस्टर करने के लिए अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने फोन नंबर एंटर किया है, ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो ओटीपी आपको फोन पे रिसीव होगा उसको यहाँ पर आपको फिल करना है, दर्ज या सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है वो फिल करना है। नाम फिल करोगे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में, यहाँ पर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं तो यहाँ पर आपको किसान या फार्मर
टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है इसको फिल करना है, देन यहाँ पर अपना जो स्टेट है यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, तो हम उत्तर प्रदेश से है इसको चूज करेंगे। इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है जो कि आधार पे आपको मिल जाएगा वो आपको टाइप कर देना है। देन आपको यहाँ पर रजिस्टर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, कुछ इस तरीके का सक्सेस आप सभी के सामने मैसेज आ जाएगा, हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो काउंट है बढ़ चुका है। तो इस तरीके से इस पोर्टल पर आ करके आप पीएम इवेंट्स में ज्वाइन कर सकते हो। प्रधानमंत्री के द्वारा जो 15th इंस्टॉलमेंट आप सभी को दी जानी है उसका आप लाभ उठा सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। त्योहारों के इस मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये किस्त दे करके आपका जो त्योहार है और ही खुशहाल बना दिया गया है, और हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।